हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए भी ये खबर किसी बड़े झटके से कम ना होगी, जब उन्हें ये पता चला होगा कि उनके नाम से एक डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के वायरल हुए डेथ सर्टिफिकेट में पता भी हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास का ही है, जिसमें ये साफ तौर पर दावा किया गया है कि ये डेथ सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जारी हुआ है। वेबसाइट पर अपलोड किए गए सर्टिफिकेट में ये लिखा है कि मनोहर लाल खट्टर पुत्र हरबंश लाल की मृत्यु 5 मई 2022 को हो गई है। बता दें कि सर्टिफिकेट को 2 फरवरी 2023 को जारी किया गया है। इसमें हैरान करने वाली बात तो ये है कि डेथ सर्टिफिकेट पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पन्नूगंज उर्फ शाहगंज के रजिस्ट्रार की मुहर लगी हुई है। सीएम मनोहर लाल का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट वायरल होने के मामले में हरियाणा की सरकार ने यूपी सरकार से नाराजगी जताई है, जिसके बाद पूरे मामले की जाँच यूपी के मुख्य सचिव स्तर से शुरू की गई है। आनन फानन में सीएम के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट का लिंक भी आधिकारिक वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया है। प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई है कि शाहगंज में एक पीएचसी जरूर है, लेकिन वहां लंबे समय से कोई डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। सोनभद्र प्रशासन इस मामले में केस दर्ज करवाने की तैयारी कर रहा है। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की ओर से बड़े गिरोह के शामिल होने की आशंका जताई गई है। ये कहा गया है कि इस मामले से ये स्पष्ट होता है कि साइबर ठग सरकारी वेबसाइटों के आंकड़े के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसके बाद यूपी के साथ ही हरियाणा की साइबर सेल की टीमें भी जांच में जुटी हुई है। जल्द ही इस मामले के दोषी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।